बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए, जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा, अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। पर विनीश, आपको लगता है कि 200 दिन जैसे पूरे हो गए लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात करवाने के लिए, अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया? वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तू है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम खुद हम ऐसी जगह से निकले, हम जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते थे कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है, हमारी हमारे परिवार को लड़ना आ गया है शायद, उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रहे मेरी। तो बस वही है कि मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ, कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना, वो अगर नाराज है तो आपको हर वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को, इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। लड़ाई अभी जारी है, क्यों नहीं देंगे? मैं खुद, मेरी माँ ने खुद किसान मतलब खेत में काम, मैंने खुद खेत में काम किया है, मैं ओलंपिक में बाद में गई हूँ, पहले मैंने खेतों में ही काम किया है ना। तो दुख होता है यही देख के कि क्यों, क्योंकि लोग ऐसे कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के नहीं बैठता है, हम भी दिल्ली में बैठे थे तो मजबूरी में ही बैठे थे, हर कोई मजबूरी में बैठता है ना। इनके पास खेत है, अपने काम कर सकते हैं, ये देश की उन्नति में बहुत बड़ी भागीदारी हमारे किसानों की है, और वो अगर सड़क पे बैठते हैं तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज का। सर ये मैं इस चीज के ऊपर बात नहीं करी ना अभी पॉलिटिक्स में, मैं अपने परिवार के बीच में आई हूँ, आप लोग अगर इस चीज को घुमाओगे तो इनका जो लड़ाई है, इनका जो संघर्ष है, उसको आप बेकार कर दोगे ना। मेरे पे फोकस नहीं है आज, मेरे पे फोकस नहीं है आज, मेरे पे फोकस नहीं है आज, हमारे इस किसान कौम के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। बस मैं पूरे देश की हूँ सर, मैं पूरे देश की हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं एक भारत देश की नागरिक हूँ। किस स्टेट में इलेक्शन है उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता है कभी भी। अच्छा। मेरे को बस एक ही पता है कि मेरा देश का नुकसान हो रहा है, मेरे देश के जो किसान है वो परेशान है, उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए, और सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इनका हल होना चाहिए। विनीश, आपका ओलंपिक में जो आप डिस्क्वालीफाई, उसको लेकर ये आरोप लगाए गए कि केंद्र सरकार के। सर मैं वही आपको, मैं आपको यही बोल रही हूँ, आज अगर आप हमारे इस किसान को उनका अगर संघर्ष अगर आप दिखा सकते हो तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। मैं अपने पे नहीं लेके जाना चाहती, मेरा जिस दिन बात होगा मैं आपको बुलाऊंगी, बात करूंगी, लेकिन ये आप उस चीज को अगर दूसरे तरीके में हम लेके जाएंगे तो इनका संघर्ष बेकार हो जाएगा, है ना। तो आप सब आ रहे हो यहाँ पे, आप लोग इनको कवर कर रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग साथ दे रहे हो। प्लीज इनके हक के लिए बोलते रहना, क्योंकि आपको भी पता है आप लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे परिवार से आते हैं, तो आप सच के साथ खड़े रहिए और संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, इतना मुझे विश्वास है, इतना मैं बोल सकता हूँ। धन्यवाद आप सबका।